आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा ये जो व्याख्यानों की श्रृंखला 75 साल 75 व्याख्यान की जो श्रृंखला शुरू हुई है उसी कड़ी में आज का यह पांचवा व्याख्यान सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर माधव हाड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं। वहां सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेवाओं के बाद आप भारतीय उच्च अध्ययन केंद्र शिमला में फेलो रहे और आपने अपना अपनी सेवाएं वहां भी दी और पिछले एक दशक में बहुत सारे ऐसे लेखक और समीक्षक जिनको हम पहले उनका काम सामने आया और फिर हम लोगों ने उनके बारे में विस्तार से चीजें देखी, उसमें अगर एक प्रमुख नाम और कुछ किताबों का जिक्र होता है तो उसमें आदरणीय माधव हाड़ा सर की जो किताब जो कि मीरा के ऊपर उन्होंने जो अध्ययन की पूरी परिपाटी थी उसको एक नया आयाम देने की कोशिश की, हम सभी उससे परिचित हैं। पत्रकारिता, मीडिया, साहित्य और संस्कृति आपकी आपकी किताब प्रकाशित है, इसी तरह कविता का पूरा दृश्य, तनी हुई रस्सी पर, इन सब के बारे में हम जानते हैं। लय और हिमांजलि जैसी पत्रिकाओं का आपने संपादन किया। राजस्थान अकादमी द्वारा आपको साहित्यालोचना के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार आपको साहित्य अकादमी द्वारा मिल चुका है। साथ ही साथ आप साहित्य अकादमी के सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। आत्मसचेत और स्वावलंबी स्त्री के रूप में मीरा का चित्रण एक ठोस से ज्यादा कहीं ना कहीं अध्ययन की परिपाटी में एक नया अध्याय जोड़ने जैसा काम था, जो पंचरंग चोला प्रहर सखी रे सर की जो किताब है उसके माध्यम से आया। बाद में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो मीरा वर्सेस मीरा के नाम से वो प्रकाशित हुई। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो कालजयी कवि हैं, तुलसीदास हैं, खुसरो हैं, मीरा हैं, उन सब पे सर ने अकादमी के लिए किताबों का एक आलोचक के रूप में लेखन किया और तमाम जो पत्र पत्रिकाओं का माध्यम है, इधर पिछले दो साल से कोविड में जो है ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म रहे जहां से हम सर को लगातार सुनते रहे और सर से सीखते रहे, और ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे सौभाग्य है कि सर का स्नेह और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। सर, मैं अकादमी की तरफ से आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज सर जिस विषय पे अपना व्याख्यान केंद्रित करेंगे वो है हिंदी प्रदेशों में भक्ति आंदोलन। तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय प्रोफेसर माधव हाड़ा सर को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपना व्याख्यान हिंदी प्रदेशों में भक्ति आंदोलन जो है यहाँ पे अकादमी की श्रृंखला के अंतर्गत हमारे समक्ष उस विषय पे अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर हाड़ा सर, धन्यवाद मनीष जी। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और उसके सदस्य सचिव श्री सचिन निम्बालकर जी और श्री मनीष कुमार मिश्रा जी के प्रति कि उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला का सहभागी होने का मुझे भी अवसर दिया। ये सचमुच हम सब के लिए गर्व की गर्व क्षय है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसमें हम देश भर के मनीषियों की ये श्रृंखला भी आयोजित कर रहे हैं। इस श्रृंखला का सहभागी होकर मुझे बहुत प्रसन्नता। एक विनम्र स्वीकारोक्ति के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। हिंदीतर और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भक्ति काल का विभाजन युक्ति संगत नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये विषय मैंने अपने लिए सुविधा के लिए चुना। दरअसल हमारे यहाँ परंपरा यह है कि हम हिंदी भाषी भक्ति आंदोलन की पहचान और चर्चा तो करते हैं, उसका विवेचन और विश्लेषण भी खूब हुआ है, उस पर शोध कार्य भी खूब हुए हैं, लेकिन हमारे हिंदीतर क्षेत्रों में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसकी चर्चा बहुत कम होती है, अक्सर बहुत कम होती है। ये विडंबना है कि भक्ति आंदोलन की जड़ें, भक्ति आंदोलन का खाद पानी हमारे देश के हिंदीतर प्रदेशों से आता है, लेकिन
उसके ऋण को हिंदी प्रदेश कभी भी स्वीकार करते, इसीलिए मैंने ये विषय चुना है, अन्यथा इस तरह के विभाजन का कोई युक्तिसंगत आधार हमारे पास नहीं है। भक्ति आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन था जो देशव्यापी आंदोलन था, देश के सभी भूभागों में, दूर दराज के क्षेत्रों में और ऐसी भाषाओं में जिन भाषाओं को हम अच्छी तरह से जानते भी नहीं है, वहां भी भक्ति आंदोलन का प्रभाव, उसके स्वर सुनाई पड़ते हैं। सबसे पहले हम भक्ति के आंदोलन की व्याप्ति की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उससे ये अनुमान हो जाएगा आपको कि भक्ति आंदोलन की व्याप्ति का दायरा कितना बड़ा है। भक्ति आंदोलन लगभग 10-12 शताब्दियों तक निरंतर चलने वाला आंदोलन, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है भारत में जो 10-12 शताब्दियों तक निरंतर विभिन्न रूपों में विभिन्न क्षेत्रों में चलता रहा हो। यही एक आंदोलन है जो देशव्यापी है, कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक और इधर महाराष्ट्र से लगाकर असम तक, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सभी क्षेत्रों तक उसकी व्याप्ति है। तो यही एक ऐसा आंदोलन है जिसकी व्याप्ति 10-12 शताब्दियों तक है और देश भर में है, दूर दराज के क्षेत्रों तक में इसकी पहुंच और प्रभाव का दायरा। पांचवी छठी शताब्दी में ये दक्षिण में शुरू हुआ, ये बात ध्यान रखने की है, खास तौर पर जिसे हम अहिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, उसका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी हम उत्तर भारतीय, खासतौर पर हिंदी समाज के लोग अनदेखी करते हैं। ये पांचवी छठी शताब्दी में शुरू हुआ दक्षिण भारत में और इसका शिखर, इसका उत्कर्ष चरम दिखाई पड़ता है 9वीं-10वीं शताब्दी में, वो भी दक्षिण भारत में। और इसको आरंभ किया उत्तर भारत में, इसकी व्याप्ति, क्षमा कीजिए, उत्तर भारत में इसकी व्याप्ति 14वीं से 17वीं शताब्दी तक है, बहुत महत्वपूर्ण रूप में। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले उत्तर भारत में भक्ति का कोई प्रभाव नहीं था, भक्ति का कोई, भक्ति की कोई धारा नहीं थी, ये कहना गलत होगा। भक्ति किसी न किसी अंतरधारा के रूप में हमारे यहाँ सदैव रही है, लेकिन उसकी सक्रियता, उसका आंदोलनात्मक, उसकी आंदोलनात्मक त्वरा जिसे कहते हैं, वो उत्तर भारत में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक दिखाई पड़ती और 17वीं शताब्दी के बाद भी उसकी त्वरा समाप्त हो जाती है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में अंतरधारा के रूप में उत्तर और दक्षिण में विद्यमान। एक बात और है जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी अनदेखी करते हैं हम लोग अक्सर, हमारे जनसाधारण के, बल्कि यूं कहना चाहिए हमारे आज के जनसाधारण के संस्कार और स्मृति में भी भक्ति आंदोलन के अवशेष मौजूद हैं। आज भी हमारे आचार विचार में, हमारे दैनंदिन जीवन में, जिस तरह से हम सोचते समझते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, हमारे दैनंदिन जीवन में भक्ति किसी न किसी रूप में मौजूद है, क्योंकि निरंतर 10-12 शताब्दियों तक उसने कई पीढ़ियों तक को आंदोलन किया था, आंदोलित किया था, कई पीढ़ियों के मानस पर उसका गहरा प्रभाव रहा था, इसलिए आज भी वो हमारे संस्कार और स्मृति में, और पूरे भारत के, पूरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में भक्ति का इसी तरह का प्रभाव जनसाधारण के मन और मस्तिष्क पर आज भी। उत्तर भारतीय हिंदी जनसाधारण और भक्ति आंदोलन की जैसी अकादमिक पहचान है, जैसी बौद्धिक पहचान है, उसमें हम अक्सर ये जानते हैं कि सूर, कबीर, तुलसी, जायसी और ज्यादा हुआ तो मीरा का नाम उल्लेख कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि केवल भक्ति आंदोलन इन संत भक्तों से नहीं बनता, भक्ति आंदोलन की ये पहचान यदि हम इन संत भक्तों तक ही भक्ति आंदोलन को
सीमित कर देते हैं तो बहुत ही अपर्याप्त और आधी अधूरी पहचान। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदेश, रामदास, जयदेव, शंकरदेव, चैतन्य, गुरु नानक, ललदेव और बसवन्ना, ये सभी किसी न किसी रूप से भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, महत्वपूर्ण संत भक्त हैं। बल्कि कई बार ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, लेकिन ये कुछ हद तक सही है कि इनमें से जिन लोगों के नाम अक्सर लेते हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वे लोग हैं जिनके नाम हम अक्सर नहीं लेते। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। भक्ति आंदोलन में दक्षिण के महत्व को समझा जाना चाहिए। पूरा दक्षिण भारत, यहां तक कि यूं शामिल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक को उसमें शामिल कर लीजिए, तो भक्ति आंदोलन के पहुंच और प्रभाव, उसके दायरे को बड़ा करने में, भक्ति आंदोलन की व्याप्ति को बड़ा करने में दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। भक्ति आंदोलन की जड़ें ही यूं कहना चाहिए दक्षिण में। भक्ति आंदोलन का आरंभ आलवार संतों से होता है। अक्सर उत्तर भारतीय परंपरा में हम आलवार संतों के बारे में कम जानते हैं, उनकी चर्चा भी अक्सर कम करते हैं। भक्ति का जैसा स्वरूप, जैसी प्रकृति, जैसा गठन उत्तर भारत में है, कृष्ण भक्ति साहित्य हो या राम भक्ति साहित्य हो, उसमें आलवारों का संस्कार और स्मृति मौजूद है, आता वो वहीं से। खासतौर पर जो प्रपत्ति, भक्ति का जो प्रपत्ति रूप है वो आता दक्षिण भारत से ही है। एक तथ्यात्मक सूचना है जो कमोबेश हम सभी मित्र जानते हैं, भक्ति आंदोलन आलवार 12 थे भक्ति आंदोलन, और आलवार का अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत खूबसूरत शब्द है ये आलवार। एक आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है कि सभी आलवार द्विज नहीं थे, उनमें हमारी अंत्यज जातियों के लोग भी शामिल थे और उसमें स्त्रियां भी शामिल थी। आप जानते हैं एक स्त्री स्वर है आलवार संतों का, बहुत प्रमुख स्वर, जिसको हम आंडाल कहते हैं, गोदा। और उत्तर भक्ति आंदोलन पर गोदा की प्रपत्ति का, गोदा की निष्ठा और समर्पण का, उनके प्रेम का बहुत गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता। ये सारे के सारे जो 12 आलवार संत हैं, इनका विस्तार बहुत लंबे समय तक इनकी सक्रियता, इन सभी संतों की वाणियों को एक ग्रंथ में संकलित किया नाथ मुनि। थोड़ी चर्चा बाद में हम नाथ मुनि की भी करेंगे कि नाथ मुनि की भक्ति आंदोलन में कैसी महत्व, उन्होंने जिस ग्रंथ में संकलित किया वो वेदों के समकक्ष ग्रंथ माना जाता है, नालियार प्रबंधम, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 4000 पदों का संकलन है ये एक साथ, और इसका संकलन किया नाथ मुनि ने 9वीं शताब्दी में। और आलवार संतों के जो आराध्य थे नारायण, विष्णु कई रूपों में मौजूद है हमारे भक्ति आंदोलन में। उत्तर भारत में वो कृष्ण होते हैं, दक्षिण भारत में विष्णु के अवतार महाराष्ट्र में विठोबा होते हैं, कई रूपों में विष्णु भक्ति आंदोलन में मौजूद है, विष्णु आराध्य के रूप में, पूज्य के रूप में। ये चारों वेदों के समान रचना है जिसको नालियार प्रबंधम कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण रचना भक्ति की। अब इसके हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, और नालियार प्रबंधम का दक्षिण में इतना महत्व है कि उसको वहां गाया जाता है, लोगों की स्मृति में है वो नालियार प्रबंध। उत्तर भारत में जिसे भजन कहते हैं, पद कहते हैं कमोबेश, उसकी व्युत्पत्ति भी नालियार प्रबंधन में अंतर्निहित है ये माना जाता है। पद का जो संगठन है, भजन का जो संगठन है, भजन की जो अवयविक संरचना है वो कमोबेश प्रबंधन से आती है। आलवारों के अतिरिक्त एक दूसरी धारा और है भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत में, जिसको हम नायनार कहते हैं, उनके आराध्य शिव थे।
बाद में ये बहुत बड़ा आंदोलन बढ़ता बनता है दक्षिण भारत में वीर शैव नाम से। उनमें भी वे 63 थे और उनमें स्त्री स्वर मौजूद था और उनमें भी समाज की निचली जातियों के लोग भी शामिल थे। ये दक्षिण भारत ये है जिन्होंने सबसे पहले प्रपत्ति को भक्ति का हिस्सा बनाया, इसकी चर्चा थोड़ी हम करेंगे। और धीरे 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 उन्होंने भक्ति की नागरिकता का दायरा समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिया। ये महत्वपूर्ण तत्व भक्ति का विकास तो हो गया प्रपत्ति के रूप में, भक्ति जनसाधारण में स्वीकार्य भी हो गई आलवारों के कारण नायनारों के कारण, लेकिन भक्ति को दार्शनिक आधार देने का उस दार्शनिक व्यवस्था में ढालने का काम भी दक्षिण भारत में ही हुआ। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है दक्षिण भारत का। वो सबसे पहले आचार्य जिनका नाम लिया जाता है जिन्होंने दार्शनिक आधार देने की कोशिश की, यमुनाचार्य नाथ जिन्हें 9वीं शताब्दी में हुए नाथ मुनि जिन्होंने दिव्य प्रबंधन का संकलन किया, वे यमुनाचार्य से संबंधित थे किसी न किसी रूप से उनके साथ। ये क्रम बनता है दक्षिण और उत्तर, यमुनाचार्य और सबसे महत्वपूर्ण आचार्य बीच में रामानुजाचार्य और उसके बाद उत्तर भारतीय संत रामानंद। ये एक क्रम बनता है। ये थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि भक्ति द्रविड़ रूप जी बाद में विशिष्ट। ये सब शंकराचार्य का अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार खूब हो गया था, लेकिन फिर भी जनसाधारण के लिए मुश्किलें थी। वहां भक्ति के लिए अहर्ताएं अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी मनुष्य से, ज्ञान की साधना की मनुष्य के लिए ये मुश्किल था ऐसी भक्ति को आत्मसात करना। इसलिए धीरे धीरे रामानुजाचार्य ने सबसे पहले उसमें प्रपत्ति को शामिल किया। रामानुजाचार्य का सबसे बड़ा योगदान, ये काम एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे शामिल हुआ। प्रेम समर्पण एकांत निष्ठा केवल ये बातें। और उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद आया, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण था अद्वैतवाद के। कुछ लोग इस कहते हैं कि बरक्स, कुछ लोग कहते हैं समानांतर, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था और इसकी सारी दार्शनिक स्थापनाएं आलवार संतों की प्रपत्ति भक्ति पर आधारित थी। बाद में इससे पहले मध्वाचार्य हो चुके थे, बाद में द्वैतवाद आया मध्वाचार्य के माध्यम से, और इस तरह फिर उत्तर भारत में वल्लभाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, निम्बार्काचार्य आए। इन सब ने भक्ति को एक दार्शनिक आधार, एक दार्शनिक व्यवस्था भी प्रदान कर दी। तो दो चरण है, पहले चरण में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ और दूसरे चरण में इन विभिन्न आचार्यों ने, जिनमें रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि लोग शामिल है, इन्होंने भक्ति के प्रपत्ति रूप को विभिन्न प्रकार के दार्शनिक आधार प्रदान किए। थोड़े थोड़े मतभेदों के साथ कमोवेश भक्ति की भक्ति प्रपत्ति इन सब संप्रदायों में, इन सभी जो मत मतांतर थे उनमें शामिल थे। भक्ति में प्रपत्ति किस तरह शामिल हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भक्ति के लिए कोई अहर्ता नहीं रही। भक्ति के लिए जो तीन प्रकार की अहर्ताएं थी, ईश्वर के, ईश्वर प्राप्ति की जो तीन प्रकार की अहर्ताएं थी, नाथ मुनि ने कहा कि देखिए, नाथ मुनि ने एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कही जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जन्म द्विजाति कुल में नहीं हुआ। पहली अर्था थी कि द्विजाति कुल का होना चाहिए। फिर दूसरा कहा, न मैं वेदों को जानने वाला हूं। ये दूसरी अर्था थी कि उसको ज्ञान हो। तीसरा था, न मैं अपनी इंद्रियों को जीत पाया हूं, इस कारण हे भगवान
मुझे आपके प्रकाशमान चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी का भरोसा नहीं है। ये नाथ मुनि की पंक्ति, ये कमोबेश रामानुजाचार्य ने भक्ति में ये किया कि द्विजाति कुल का होना आवश्यक नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए, वेद ज्ञान आवश्यक नहीं है, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, इसको भक्ति का जरूरी अंग माना जाता है, इंद्रिय निग्रह भी जरूरी नहीं। इस तरह भक्ति इन तीन अंतर बाधाओं से निकलकर बाहर आ गई, और वो ये तीन अहर्ताएं जब समाप्त हुई तो भक्ति का दायरा उन सब लोगों के लिए खुल गया, भक्ति में उन सबको प्रवेश मिल गया जिनको, जो द्विजाति कुल के नहीं थे, जिन्हें वेद ज्ञान नहीं था, और जो इंद्रिय निग्रह में असमर्थ थे। केवल भगवान एक ही अर्थता थी, वो थी भगवान से प्रेम, उनके प्रति एकांत निष्ठा, उनके प्रति समर्पण, केवल भक्ति के लिए ये जरूरतें रह गई। और भक्ति का जो रूप उत्तर भारत में रामानंद के माध्यम से आया, उसमें यही सब चीजें महत्वपूर्ण थी। आप देखेंगे कि रामानंद के 12 शिष्यों में द्विजाति कुल के लोग भी हैं, द्विजाति कुल से बाहर के लोग भी हैं, वे लोग स्त्रियां भी हैं, वे लोग भी हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो शास्त्र ज्ञान नहीं जानते। कबीर ने तो ये बार बार बात कही है। एक पंक्ति अक्सर कही जाती है जिस पर भी हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ये कहा जाता, भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर सात द्वीप नौ खंड। ये बहुत महत्वपूर्ण, भक्ति कबीर ने ये बहुत बाद में कही, हमारे पुराणों में ये बहुत पहले से चली आ रही ये पंक्ति किसी न किसी रूप में। आप देखिए, ये तो निर्विवाद है लगभग कि भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण, यही बात कमोबेश कही है आपके पुराण में भी, और उसकी संस्कृत श्लोक का अर्थ यह है, द्रविड़ प्रदेश में पैदा हुई, कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ समय महाराष्ट्र में रही और गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। यद्यपि ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, देखिए भक्ति के उधर से आने की, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आने की प्रक्रिया समझा दी गई है। भक्ति का चरम जिसे कहते हैं, वो दक्षिण भारत में एक बार संपन्न हो चुका है। भक्ति का दूसरा चरम 15वीं 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भी संपन्न हो चुका है। 1300 ईस्वी के आसपास रामानंद की प्रेरणा से, अकेले रामानंद नहीं कहेंगे हम, बल्कि रामानंद भी उसमें एक निर्णायक भूमिका रखते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, प्रपत्ति भक्ति का विस्तार हुआ सारे उत्तर भारत में। यदि आप देखें तो बलिन, हम निर्गुण संतों को ज्ञान मार्गी कहते हैं, लेकिन प्रपत्ति किसी न किसी रूप में उनके भी है। आप कबीर पढ़ेंगे, रैदास पढ़ेंगे, पीपा पढ़ेंगे, तो भी आपको लगेगा कि रूपाशक्ति और जिसे प्रेम कहते हैं वो निरंतर इन सब के यहाँ है। इसलिए प्रपत्ति जिसे एकांत निष्ठा और समर्पण कहते हैं, बार बार कबीर भी उसी का स्मरण करते हैं। धीरे धीरे विभिन्न रूपों में इसका उत्तर भारत में प्रसार हुआ। रामानंद का जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। और इस तरह आप देखें कि रामानंद के 12 शिष्यों में से, जिनके नाम अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेननाई, धन्ना, नाभादास, कबीर, रैदास, सुरसरी और पद्मावती, आप देखिए कि इनमें स्त्रियां भी है और इनमें पुरुष भी है, इनमें द्विजाति कुल के लोग भी हैं, इनमें हमारी छोटी जातियों के लोग भी है, और इस तरह भक्ति का विस्तार सारे के सारे भारतवर्ष में इसके कारण हो जाता है। एक बात और जिसकी अक्सर हम अनदेखी होती है भक्ति आंदोलन की पहचान बनाने में, और जो खास तौर पर हमारे अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए बहुत के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य।
एके रामानुजन बड़े भक्ति के विद्वान है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी भक्ति के संबंध में कि अक्सर हम भक्ति के संबंध में एक वचन में बात करते हैं, लेकिन भक्ति बहुवचन होती। भक्ति अपनी प्रकृति में, अपनी चरित्र में बहुवचन है। एक बात उन्होंने और कही जो भक्ति आंदोलन को समझने में, खासतौर पर अहिंदी भाषी हिंदीतर प्रदेशों के भक्ति आंदोलन को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी, कि यदि मैं भक्ति के संबंध में बात कर रहा हूं तो जो मैं कह रहा हूं मेरे क्षेत्र से संबंधित है, जितना मैं जानता हूं उससे संबंधित है, ये सार्वदेशिक और सार्वकालिक भक्ति के संबंध में नहीं है। ये भक्ति की बहुवचनात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है ये कथन, बहुत महत्वपूर्ण कथन। भक्ति आंदोलन की व्याप्ति आप देखें 10-12 शताब्दियों तक है, पूरे देश भर में है। इसलिए भक्ति ने हर क्षेत्र में, छोटे छोटे सांस्कृतिक इकाइयों में, उस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सामाजिक जरूरतों के तहत अलग अलग रूप धारण की। भक्ति इसीलिए एक वचन नहीं, महाराष्ट्र में वो अलग प्रकार की, महाराष्ट्र में भी वो विदर्भ में अलग प्रकार की, गुजरात में अलग है, सौराष्ट्र में अलग प्रकार की, यदि आप कर्नाटक में जाएंगे तो वहां अलग प्रकार की है, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहां अलग प्रकार की है। हर क्षेत्र में आप एक बार भक्ति का मूल्यांकन कर उसकी पहचान करना शुरू करेंगे, पूरे देश के सार्वदेशिक भक्ति आंदोलन को पहचानना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि भक्ति आंदोलन क्षेत्रीय सांस्कृतिक जरूरतों के तहत, क्षेत्रीय ऐतिहासिक जरूरतों के तहत अलग अलग ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में पैदा हुआ और उसने अलग अलग रूप धारण की। आराध्य को लेकर भिन्नता आप देखिए, कहीं वो नारायण विष्णु है, कहीं वो विठोबा है। सिख संप्रदाय में जाकर वो किताब रह गया है, ब्रह्म रह गया कबीर के यहाँ। पूजा पद्धतियां अलग प्रकार की, दक्षिण भारत में अलग प्रकार की है, आप दक्षिण भारत में, कर्नाटक में अलग प्रकार की है, केरल में अलग प्रकार की है। ये जिन प्रांतीय संज्ञाओं के नाम मैं आज ले रहा हूं, वे प्रांतीय संज्ञाएं उपनिवेश काल में बनी, इससे पहले इस तरह की प्रांतीय और भौगोलिक संज्ञाएं हमारे यहाँ नहीं थी। सांस्कृतिक इकाइयां थी छोटी छोटी सी, और उन सांस्कृतिक इकाइयों में आदान प्रदान भी होता था, अंतर क्रिया भी होती थी, और भक्ति ने उन क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग रूप धारण किया। क्षेत्रीय आधार पर जो भक्ति के रूप अस्तित्व में आए, उन्होंने हम अक्सर भक्ति के संस्थानीकरण को भक्ति के बहुत सारे विद्वान गलत भी मानते हैं कि यह ठीक नहीं हुआ, संस्थानीकरण में आकर भक्ति रूढ़ हो जाती है और सीमित भी हो जाती, कभी कभी खत्म भी हो जाती। लेकिन संस्थानीकरण का एक दूसरा लाभ भी है जो हमारे देश में बहुत हुआ, और विडंबना ये कि अभी हमने भक्ति के संस्थानीकरण से होने वाली सामाजिक प्रक्रिया में उसके हस्तक्षेप की अच्छी तरह से पहचान और मूल्यांकन नहीं किया। भक्ति के संस्थानीकरण से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, खासतौर पर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में, कई संप्रदाय अस्तित्व में आए, कई मत अस्तित्व में आए, और उन मतमतांतरों ने, उन संप्रदायों ने हमारे सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सजग हस्तक्षेप किया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भक्ति हमारे लिए केवल धर्म नहीं थी, और खासतौर पर यूरोपीय में जिसे हम धर्म कहते हैं, भक्ति कम से कम वो तो नहीं थी। भक्ति का धर्म से संबंध था, लेकिन यूरोपीय अर्थ में जिसे हम रिलीजन कहते हैं, भक्ति नहीं थी। हमारे यहाँ धर्म का दायरा बहुत बड़ा था, सामाजिक अन्याय, अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, उत्पीड़न का प्रतिरोध, ये सब भी भक्ति के दायरे में आती थी। हमारी सामाजिक गतिविधियों का अधिकांश धर्म के दायरे में आता था। इसलिए इन संस्थाओं ने, इन जो नई संस्थाएं अस्तित्व में आई, उन संस्थाओं ने हमारी सामाजिक विकास प्रक्रिया को बहुत दूर तक, गहराई तक प्रभावित किया। जैसे ऐसे कई संप्रदायों के नाम मुझे याद है,
जैसे सिख संप्रदाय, आप चाहें तो उसे भी अहिंदी भाषी हिंदी तर्क क्षेत्र कह सकते हैं, सर्वथा नया रूप है भक्ति का। आप देखिए गुरु नानक ने किए, 10 गुरु हुए निरंतर और 10 के बाद वो मान लिया था गुरु ग्रंथ साहब भी अब गुरु रहेंगे, लेकिन आप देखिए कि वहां पर भक्ति का जो रूप अस्तित्व में आया उसमें जरूरत, ऐतिहासिक जरूरत के तहत हिंसा भी मान्य हुई, वो जरूरत थी, ऐतिहासिक जरूरत थी संघर्ष के लिए, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए हिंसा की भी जरूरत थी और उसको स्वीकृति दी गई। आप देखिए महाराष्ट्र में वर्कारी संप्रदाय, उनके आराध्य विठोबा है, बहुत पहले ज्ञान देव के समय से ही, बहुत पहले से इसकी शुरुआत हुई। और आप देखिए कि एक छोटी छोटी चीजें, यात्रा विठोबा पंढरपुर की यात्रा से जुड़ा हुआ प्रसंग है, सारा महाराष्ट्र आंदोलित होता, भक्ति का एक सर्वथा नया रूप, आराध्य नहीं, भक्ति की पूजा पद्धति नहीं, भक्ति का ढंग नया है, समर्पण का ढंग नया, प्रपत्ति का ढंग नया। वीर शैव उड़ीसा में बहुत महत्वपूर्ण, अभी भक्ति मध्यकाल के अंतिम चरण में बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक हस्तक्षेप करने वाला एक नया आंदोलन सामने आया, जिसको नया संस्था अस्तित्व में आई, जिसको हम महिमा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन जिसने बहुत दूर तक जनसाधारण को प्रभावित किया, ब्राह्मण वर्चस्व के विरुद्ध बड़ा आंदोलन बना वो वहां पर। महाराष्ट्र में वर्कारी संप्रदाय, वीर शैव, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सब जगह इस तरह की घटनाएं हुई और क्षेत्रीय आधार पर। इसलिए भक्ति का, भक्ति की पहचान और मूल्यांकन करते समय इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि भक्ति के जो ये सांस्थानिक रूप अस्तित्व में आए विभिन्न क्षेत्रों में, खासतौर पर हमारे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में, उनका भी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जब भक्ति आंदोलन पर विचार करते हैं तो इन संप्रदायों के, कबीर का भी बड़ा संप्रदाय है, रैदास का भी बड़ा संप्रदाय है, लेकिन वर्कारी संप्रदाय भी बड़ा संप्रदाय है, आपका वसवन्ना का कर्नाटक में पैदा हुआ संप्रदाय भी, वीर शैव आंदोलन भी, वीर शैव संप्रदाय भी बड़ा संप्रदाय है, और इन सब की हमारे सामाजिक विकास की प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो है देश भाषाओं की प्रतिष्ठा, जिसे आज हम खड़ी बोली कहते हैं, भक्ति आंदोलन की अभिव्यक्ति, भक्ति आंदोलन का माध्यम वो नहीं थी, वो हमारी देश भाषाएं थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, खासतौर पर महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस क्षेत्र, मराठी की पहचान, मराठी की मराठी अस्मिता की वापसी, बहुत बड़ी परिघटना इतिहास में, और वो ज्ञानेश्वर के समय हुई। ज्ञानेश्वरी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये लगभग 700 श्लोक, जो गीता के 700 श्लोक है उनको 9000 ओवियों में, बहुत खूबसूरत रचना है, रसपूर्ण विवेचन ज्ञानेश्वर ने बहुत रसपूर्ण, और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है, संस्कृत धार्मिक भाषा थी, धार्मिक अभिव्यक्ति की भाषा थी, धर्म में निष्णात होने की अर्हता संस्कृत जानना, सब कुछ अच्छी बातें संस्कृत में ही होती थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उसमें हुई ज्ञानेश्वरी में, ज्ञानेश्वर कल्पना करते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे संस्कृत नहीं आती, कृपया आप अपनी बात मराठी में मुझे समझाएं। ये तो ज्ञानेश्वरी में हुआ, लेकिन देश के विभिन्न भागों में, शेष क्षेत्रों में भी, महाराष्ट्र के अलावा जितने क्षेत्र हैं उनमें भी इसी तरह की परिघटनाएं हुई कि संस्कृत के समानांतर देश भाषाओं को भी स्वीकृति और मान्यता मिल गई, उनकी प्रतिष्ठा का भी विस्तार हुआ, उनमें भी
साहित्य रचना हुई। ये माना जाता था कि तत्व दर्शन संस्कृत में ही संभव है, धर्म और अध्यात्म की भाषा भी संस्कृत ही, लेकिन ईसा की दूसरी शताब्दी सहस्राब्दी के आसपास की से देश भाषाओं की प्रतिष्ठा शुरू हुई। देश भाषाओं को दरबारों में भी स्थान मिलने लगा। खास तौर पर भक्ति आंदोलन ने भक्त कवियों और संतों ने देश भाषा का प्रयोग शुरू करना शुरू किया और देश भाषा इसका एक बड़ा क्रांति, इसे एक बड़ी क्रांति हुई कि भक्ति का दायरा बहुत बड़ा हो गया, भक्ति की नागरिकता का दायरा बहुत बड़ा हुआ। वे लोग जो साधारणतः अपनी बात कहने में संकोच करते थे क्योंकि वे संस्कृत नहीं जानते थे, वे सब लोग बहुत बड़े लोग थे, उनके ज्ञान की उनका ज्ञान भी असीम था, लेकिन क्योंकि संस्कृत का ज्ञान नहीं था अपनी बात कहने में असमर्थ थे, तो उन सब को देश भाषाओं की प्रतिष्ठा से अपनी बात कहने का अवसर मिला और इससे भक्ति आंदोलन की नागरिकता का दायरा, यूं कहना चाहिए भक्ति की अहर्ता का दायरा बहुत बड़ा हो गया। सामान्य आदमी जो केवल अपनी भाषा जानता था, अपनी मातृभाषा जानता था, अपनी भाषा जानता था, मराठी जानता था, कन्नड़ जानता था, गुजराती जानता था, उन सब लोगों ने अपनी बात कहना शुरू किया और आप देखेंगे कि इस कारण भक्ति आंदोलन की अर्थ छवियों का दायरा बहुत बड़ा, भक्ति आंदोलन की अभिव्यक्ति का दायरा बहुत बड़ा है। इतनी अभिव्यक्तियां, इतने विभिन्न प्रकार के मुहावरे, इतनी प्रकार की शब्दावली भक्ति आंदोलन में आई कि आप आश्चर्य करेंगे। और एक और बात हुई, देश भाषाओं की प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, भक्ति आंदोलन के संत देशाटन करते थे। कबीर के बारे में कहते हैं कि वो पंढरपुर तक गए, गुरु नानक के बारे में कहते हैं कि वो मक्का तक गए, चैतन्य कहते हैं कि बंगाल से वृंदावन आए, वृंदावन की खोज ही उन्होंने की एक तरह से कहना चाहिए, शंकर देव ने कई क्षेत्रों की यात्राएं की, रामानंद ने दक्षिण भारत की कई यात्राएं की, मीरा गुजरात गई, मीरा कहते हैं कि दक्षिण भारत भी गई, मीरा कहते हैं कि उधर नादिया तक गई, और इस तरह हमारे संतों ने देशाटन किया पूरे भारत में। और इसका लाभ ये हुआ कि एक ऐसी भाषा का विकास हुआ धीरे धीरे जो इन सब भाषाओं का मिला जुला रूप थी और जिनमें आदान प्रदान संभव था। कुछ लोगों ने इसको खिचड़ी कहा है, कुछ लोगों ने इसको सद्दुकड़ी कहा है, लेकिन ये 15वीं 16वीं शताब्दी की वो भाषा है जो हमारे संतों के साथ मध्यकालीन साधारण भी जिसका व्यवहार करता था। भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को देखें, आज हम भाषा, आज जो भाषाई इकाइयां हैं पूरे भारतवर्ष की, वो भाषाई अस्मिताएं हाथ उठाकर अपनी पहचान का आग्रह कर रही है, धीरे धीरे उनका दायरा सिमट कर अपनी संस्कृति तक सीमित होता जा रहा है। भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने पहली बार सारी भारतीय भाषाओं को, हिंदी भाषी हिंदीतर भाषाओं को एक दूसरे के निकट आने का अवसर दिया। हमारे अधिकांश बड़े संत, उत्तर भारतीय संत दक्षिण भारत में गए, बंगाल से उत्तर भारत में आए, कश्मीर से उत्तर भारत में आए, उत्तर भारत से कश्मीर में गए, लेकिन भाषा कहीं भी कोई अंतर्बाधा नहीं बनी। इसलिए भक्ति आंदोलन की पहचान और मूल्यांकन में इस तथ्य की तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है कि भक्ति आंदोलन केवल उत्तर भारतीय हिंदी समाज का नहीं है, केवल उत्तर भारतीय हिंदी प्रदेश में नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन की जड़ें और खाद पानी दक्षिण भारत से आता है, भक्ति आंदोलन का प्रसार भी बहुत गहराई से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में बहुत व्यापक और गहराई से हुआ और भक्ति आंदोलन के बड़े स्वर इन हमारे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में पैदा हुए। और ये जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, इनकी जो भाषाएं हैं,
ये भी भक्ति आंदोलन के दौरान अभिव्यक्ति की दृष्टि से इस स्वरूप में हमारे सामने आई। इन भाषाओं ने भक्ति की नागरिकता का दायरा भी बहुत बड़ा किया। धन्यवाद। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी और उनके अधिकारियों का और भाई श्री मनीष मिश्रा जी का हृदय से कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपको तो जब भी सुनने का अवसर मिला सर, सच में ऐसा लगता है कि अब हम लोग समझते हैं कि किसी चीज को पढ़ने और समझने का जो कहते हैं ना कि दृष्टिकोण या व्यू पॉइंट मिलता है कि इस तरीके से भी चीजों को हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में जैसे आपने बताया कि देश भाषाओं ने किस तरह उसकी अहर्ता जो संस्कृत से थी उसको अपनी देश भाषाओं के माध्यम से सामान्य जन तक उसको पहुंचाया, और मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर ये पहला आंदोलन था जहां पे भाषाएं एक दूसरे के करीब आ रही थी। आज अपनी अस्मिता के नाम पे हम लोग राजनीतिक मंचों से या जहां से भी जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को और बांध देने की बातें हो रही हैं, ना कि एक दूसरे से जोड़ने की। तो कहीं ना कहीं वो इशारा इस तरफ भी है कि अगर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की दृष्टि से भी देखें आजादी के इन 75 सालों में, तो भक्ति आंदोलन को केंद्र में रख के हम ये जरूर समझ सकते हैं कि भाषाओं में आपसदारी, साझेदारी और आदान प्रदान की स्थितियों को हम जितना बेहतर करेंगे शायद इस राष्ट्र के भविष्य के लिए उतना ही बेहतर होगा। एक बार पुनः मैं आदरणीय माधव हाड़ा सर के प्रति अकादमी की तरफ से अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज का ये महत्वपूर्ण व्याख्यान। सर, ये यूट्यूब के माध्यम से हमेशा शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए, पढ़ने लिखने से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ अकादमी की योजना है कि इन व्याख्यानों को 75 व्याख्यान पूरे होने के बाद इन्हें पुस्तकाकार रूप में भी अकादमी प्रकाशित करे, ताकि वो लिखित रूप में भी और इस तरह भी इंटरनेट के माध्यम से दोनों मंचों पे वो हमेशा उपलब्ध रहे और एक साहित्य की मूल्यवान धरोहर के रूप में हम इस चीज को अंकित कर सकें। आपका एक बार पुनः धन्यवाद सर। धन्यवाद।